अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करते कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताती हूँ स्पूरियस स्टेरिया क्या होता है। और एक पेशेंट जिसको पीछे आपका जाहिर है मैस है और मैस की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आने चाहिए, उसको बीच में डायरिया क्यों ऑल्टरनेट कर रहा होता है और उस डायरिया को हम स्पूरियस क्यों कहते हैं। होता कुछ ऐसे है कि आप सपोज कहते हैं कि हमारे पास कॉलन है इसी में, ठीक है, यहाँ पर आपका कैंसर जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन के एरिया में कैंसर ग्रो करेगा तो ये सारा पैसेज नैरो हो गया, इतना बड़ा मैस ग्रो करिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टूल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत पास करेगा और बाकी स्टूल इधर स्टैटिक हो जाएगा। जो स्टैटिक होगा वो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल बनता जाता है। अब आपको बताया कि आपके पास जो फीकल मैटर है, जो आपके स्टूल्स हैं, उनमें हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट स्टीराइल, उनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे पास जब ये स्टूल इधर पड़ा रहता है ना, बेशक कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूल में प्रेजेंट वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टूल के मटेरियल को डीजेनरेट करते हैं। और जब वो स्टूल के मटेरियल को डीजेनरेट करते हैं तो वहां से उसकी वजह से आपका वो मटेरियल लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसमें जरूरी नहीं है सारा स्टूल लिक्विड हो जाए, जितना पोर्शन लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो आपका स्लिप करके डायरिया के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए पेशेंट कहते हैं कि उसको नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन रहती है लेकिन कभी अचानक से डायरिया की सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो दिस डायरिया इज कॉल्ड स्पूरियस डायरिया विच इज नॉट एक्चुअली ड्यू टू हाइपरमोटिलिटी ऑफ द गट, बल्कि उल्टा ये कॉन्स्टिपेटेड स्टूल में बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होता है। तो ये आपने याद रखना, आपसे बहुत ज्यादा वायरल पूछते हैं। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, जरा सा डिफरेंस है कोलोनिक और रेक्टल कार्सिनोमा। जो कोलोनिक कार्सिनोमा, देखिए हमारे पास कार्सिनोमा होता है कोई भी तरह का, जब पेशेंट हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि इन सिम्टम्स से प्रेजेंट करेगा, हमारा शक कैंसर की तरफ जाएगा या हमारा शक सिर्फ और सिर्फ जाए इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ भी, तो भी हमने सबसे पहले ऐसी किसी भी कंडीशन में पेशेंट की पर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करनी होती है। अब डीआरई करेंगे, अगर कॉलन में है कैंसर तो जाहिर आपको डीआरई पे कोई खास फाइंडिंग नहीं मिलेगी, पर अगर रेक्टम में तो आपको मिल भी सकती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काम तो आपने डीआरई करनी है, जो बता देता आपको कि ग्रोथ कोई अल्सरेशन है कोई ऐसी चीज है या नहीं। उसके बाद आपका जो कोलोनिक कार्सिनोमा है उसमें क्योंकि आपका पेशेंट को पीछे की तरफ जरा आपको पता होता है कि ऐसे फीचर्स आ रहे हैं कि उसको आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन है वो कॉलन में है, तो उसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप पहले करवा दें एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन। एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन कराने से आपका फायदा ये होता है, इरेक्ट का मतलब पेशेंट जब सीधा खड़ा हो आपको एयर फ्लूइड लेवल नजर आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन जहां पे होगी वहां पर आपका वो जाहिर सी बात है उससे पीछे वाला हिस्सा गट का डिस्टेंडेड होगा वो आपको नजर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। और उसके साथ आपको एयर फ्लूइड लेवल ये बताता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं पर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप, क्योंकि फ्लूइड नीचे बैठ जाते हैं एयर ऊपर चली जाती है जब आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो आप एक्सरे डायरेक्ट एब्डोमेन करा लें, जब ये आपको अंदाजा हो जाता है तो फिर आप सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं या कोलोनोस्कोपी करते हैं या आपकी उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोलन का कैंसर है तो कोलोनोस्कोपी तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को पहले वो कहते हैं कि देख लें सिग्मोइड कोलन तक ही, वो सिग्मोइड कोलन तक देखने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, सिग्मोइड कोलन तक उन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता तो फिर उन्हें पूरी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है ताकि वो पूरे कोलन को देखें और पता चले कि कैंसर कहां पर है, किस एक्सटेंट तक फैला हुआ, ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर वो आपकी कोलोनोस्कोपी है। फिर आप विजुअलाइज करने के लिए अंदर के एरिया को डबल कंट्रास्ट एनएमआर भी करवा सकते हैं, वैसे तो कोलोनोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं तभी आप बायोप्सी भी ले लेते हैं, बायोप्सी पे आप जब कंफर्म हो जाते हैं आप उसको लैब में जाकर चेक करते हैं मैलिग्नेंट सेल्स आपको मिल जाते हैं कन्फर्म हो जाते हैं। डबल कंट्रास्ट जो है ना आपको वो आपको बताते हैं बेसिकली कि कितना बड़ा कैंसर है, मतलब आपको साइज ऑफ द कैंसर के बारे में अंदाजा कराते हैं, क्योंकि इसमें आपने करना क्या होता है डबल कंट्रास्ट एनिमा में कि आपने दो तरह के कंट्रास्ट का एनिमा डालना होता है, यानी एनल के नाम से पेशेंट को डालने होते हैं। अब हम एक कंट्रास्ट क्यों नहीं दे रहे, दो क्यों दे रहे हैं, अब आप इतना सिर्फ याद रख लें कि जब हम सिंगल कंट्रास्ट देते हैं सिंगल कंट्रास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ बेरियम होता है तो उससे आपको विजुअलाइजेशन कम बेहतर होती है। उसकी बजाय आप क्या करते हैं कि आप दो दफा दें, एक कंट्रास्ट आपका ये बेरियम होता है लिक्विड फॉर्म में, ज़ाहिर एनिमा होगा तो लिक्विड होगा, एक आपका गैशियस फॉर्म में होता है मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, ठीक है। तो दो कंट्रास्ट होते हैं, दोनों कंट्रास्ट से आप जब फ्लोरोस्कोपी करके बाद में देखते हैं ना तो आपको नजर बेहतर आता है। एक कंट्रास्ट को हम पॉजिटिव कहते हैं बेरियम, दूसरा गैस होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, दोनों से हमें नजर और बेहतर आ जाती है और हमें फिलिंग डिफेक्ट का पता चलता है कि कहां पर कितना बड़ा साइज का कैंसर और किस जगह पर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए कराते हैं। और उसके बाद ये तो आपका डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर आपने जाहिर सी बातें करवानी होती हैं जो आपकी एक्सटेंट ऑफ द डिजीज को देखने के लिए सीटी स्कैन आप कराते हैं, सीटी स्कैन में आपको लिम्फ नोड्स भी नजर आते हैं, मेटास्टेसिस भी नजर आते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट कराते हैं, हेड एंड नेक कराते हैं, पेल्विस कराते हैं, सारे एरियाज का कराते हैं, एंड देन आपकी जीए फिटनेस के कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन आपके बेसिकली यही है। रेक्टल अगर कार्सिनोमा को तो भी यही सारे टेस्ट हैं, सिर्फ इसमें एक तो आप पीआर एग्जामिनेशन कराएंगे तो आपको ज्यादा फाइंडिंग्स मिलेंगी, क्योंकि रेक्टम में है तो आपको मैस कोई फील हो सकती है। फिर आप प्रोक्टोस्कोपी करेंगे जब, यानी एनल केनाल को आप देखेंगे तो भी आपको किसी हद तक मैस नजर आ जाएगी। सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाता है कि रेक्टम में कोई ना कोई मैस पड़ी हुई है जो कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपको कोलोनोस्कोपी इसलिए सिर्फ आप करते हैं
रेक्टल कार्सिनोमा में, ताकि आप देखें कि कॉलन नॉर्मल है या नहीं, अदरवाइज कोलोनोस्कोपी की कोई ऐसी जरूरत यहाँ पर होती नहीं है। और सीटी स्कैन वही बात है एक्सटेंट ऑफ द डिजीज को देखने के लिए, ठीक है। डबल कंट्रास्ट एनिमा आप यहाँ भी करा सकते हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करा सकते। अच्छा, पहले करवाते होते थे कि हम चेक करते हैं फीसेज को भी टेस्ट करते थे पेशेंट की फीकल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे पेशेंट जो कैंसर के होते हैं उनमें फीसेज में ब्लड जरूर आ रहा होता है थोड़ा बहुत, तो फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग उसको कहते होते थे कि हम देखते हैं कि कोलोनिक कार्सिनोमा जितना पीछे होगा उतना ब्लड ज्यादा थोड़ा आएगा, मतलब ऑकल्ट ब्लड आता है, उतना ज्यादा क्लॉटेड ब्लड आता है, जितना कैंसर आपका रेक्टम में और उससे आगे होगा उतना ही आपका फ्रेश ब्लड आने का होता है। तो वो आपका टेस्ट करा के आप किसी हद तक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन इट इज नॉट वेरी मच स्पेसिफिक। अच्छा, अब कोलन और रेक्टल कार्सिनोमा आपसे कभी कभार वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दोनों को अलग अलग से डील क्यों किया जाता है या अलग से हम क्यों इन्हें पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि कोलन रेक्टल एक साथ ही होता है। असल में प्रॉब्लम यह कि आपको पता है कि हमारे पास ना रेक्टम के बाद है एनल केनाल, ठीक है, ये और एनल केनाल में ऊपर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर है जो हमारी कॉन्टिनेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर ये स्फिंक्टर आपका खराब हो जाए या फिर रेक्टम के कैंसर में ये भी इन्वॉल्व हो जाए तो आपका आपको साथ एनल केनाल का ये स्फिंक्टर भी रिमूव करना पड़ता है। और अगर एनल केनाल का स्फिंक्टर रिमूव करना पड़े तो पेशेंट को जो स्टूल पास करने का उसका मैकेनिज्म बिल्कुल खराब हो जाता है बिकॉज उसकी स्फिंक्टर का एक्शन लॉस हो गया, तो इस वजह से फिर हम उस पेशेंट को परमानेंट कोलोस्टोमी या परमानेंट एलियोस्टोमी वट एवर इज रिक्वायर्ड वो करनी पड़ती है। तो क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टम और एनल केनाल वाला और इसको हमने बहुत कॉशियसली डील करना होता है, इस वजह से हम हमेशा रेक्टम के कैंसर को अलग से कर लेते हैं और कोलन को अलग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट पे। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट करने पहले हम बात कर लेते हैं कोलन कैंसर की ट्रीटमेंट की। अब आपने सिर्फ एक रूल याद रखना है, इसमें कोई मुश्किल बात होगी ही नहीं उसके बाद, ठीक है। वो रूल ये है कि जब आपके पास अगर कैंसर छोटा है या कैंसर बड़ा है किसी भी एरिया का, जब आपने उस एरिया को अगर रिमूव करना है, इसकी याद रखना कि जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी है, ठीक है, चाहे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है चाहे पेलिएटिव ट्रीटमेंट है, हमें रिमूव सर्जिकली करना ही पड़ता है कैंसर को भी और कोलन के पोर्शन को भी। जब आप किसी भी पोर्शन को रिमूव करते हैं आपको पता है पहले आप उस एरिया की ब्लड सप्लाई को लाइगेट करते हैं और फिर आप उसको रिमूव करते हैं। अब जब आप ब्लड सप्लाई को लाइगेट करते हैं उस एरिया की, तो अगर आपकी एक ब्लड वेसल है जो आपने मेन एरिया से लाइगेट की है, तो जाहिर सी बात है उस ब्लड वेसल से बाकी एरिया सप्लाई हो रहा है वो उसकी सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो आपको वो सारा एरिया रिमूव करना पड़ेगा जो उस ब्लड सप्लाई के अंदर अंदर आ रहा था, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एरिया का गैंग्रीन हो जाए और वो बॉडी में पड़ा रह के खराबी पैदा करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है, मैं उसका यहाँ का कोर्स सिर्फ बता रही हूँ, वो आपके सीकम को भी, सारे असेंडिंग कॉलन को भी, और जो आपका राइट प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन है, राइट वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन, इसको भी, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास कैंसर सिर्फ और सिर्फ इस जगह पड़ा हुआ है, ये कैंसरस मैस है, अगर मैं चाहूंगी तो मुझे सिर्फ इतने से पोर्शन को, यानी कैंसर के साथ साथ 2 सेंटीमीटर डिस्टल मार्जिन को मैं रिमूव कर दूं तो भी बात मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मैं ब्लड सप्लाई को काटूंगी ना तो मुझे मेजर सेट सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल को काटना लाइगेट करना है। अब जब मैं इसको लाइगेट करूंगी तो ये सारा एरिया भी ब्लड सप्लाई से खारी हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड नहीं रहेगा, तो इस वजह से जब मुझे इसको सर्जिकली रिमूव करना है तो मुझे ब्लड सप्लाई को मेन वेसल को बंद करना है और मुझे इसको इस सारे को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सारे की ब्लड सप्लाई मैं खत्म कर दूंगी। फिर आपके ध्यान में सवाल आना चाहिए कि मैं खाली उन छोटी सी वेसल्स को क्यों ना लाइगेट कर दूं जो खास तौर पे इस एरिया पे आ रही है, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी माइनर वेसल्स होती हैं, इतनी माइन्यूट वेसल्स होती हैं कि उनको आप ढूंढ के लाइगेट करें तब भी कोई ना कोई वेसल रह जाती है और कोई ना कोई ऐसी लाइगेट हो जाती है जो कि पीछे जा रही थी, ठीक है। इस वजह से हमें मेजर वेसल ही लाइगेट करनी पड़ती है और इसी वजह से उसकी सर्जरी भी हमें आपको सारा वो एरिया रिमूव करना पड़ता है जो उस वेसल के साथ आ रहा है। ये बस आपने एक रूल याद रखना है, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ओके जी, ये अब डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर अगर कैंसर हो सकता है तो कहाँ कहाँ से हमने रिमूव करना है। हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, यानी असेंडिंग कॉलन से। अगर हमारे पास हमारा कैंसर सीकम या असेंडिंग कॉलन में है तो हमें करनी होती है जो प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है। आप अपनी राइट साइड से देखेंगे तो ये वाली तस्वीर आप देखें, राइट हेमिकोलेक्टमी का मतलब है सीकम या असेंडिंग कॉलन में कैंसर है और वो जहां भी है हमें उसकी मेजर वेसल जब लाइगेट करेंगे तो सारा असेंडिंग कॉलन, सीकम, असेंडिंग कॉलन एंड जो आपका प्रोक्सिमल वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन है, ठीक है, जो पहला वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन है, ये सारा आपको रिमूव करना पड़ता है। इसलिए इस प्रोसीजर को कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी। हेमिकोलेक्टमी का मतलब होता है आधा कॉलन रिमूव कर दिया राइट साइड का, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास कैंसर जो है वो खास तौर पे, इसमें अब आपका हेपेटिक फ्लेक्चर भी आ गया, अगर मेरे पास कैंसर हेपेटिक फ्लेक्चर पे है,
यानी इस जगह पे, ठीक है, ये वाली जगह, तो फिर आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं, मतलब आप नीचे की तरफ से पूरा असेंडिंग कॉलन करेंगे, हेपेटिक फ्लेक्चर करेंगे एंड 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी, और एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी तब करनी होती है आपने जब आपका कैंसर जो है वो हेपेटिक फ्लेक्चर या फिर उससे आगे होता है, ठीक हो गया, या ट्रांसवर्स कॉलन पे होता है। उसके बाद अगर आपका कैंसर अब इससे और आगे चले जाए, पहले हमारा सीकम पे था, फिर हेपेटिक फ्लेक्चर और ट्रांसवर्स कॉलन पे आया, अब कैंसर जो है वो आ चुका है हमारा ट्रांसवर्स कॉलन के एंड वाले पोर्शन यानी स्प्लेनिक फ्लेक्चर पे, ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर है। अब जब स्प्लेनिक फ्लेक्चर पे कैंसर आ जाता है ना, अब लेफ्ट साइड की कहानी शुरू होगी, अब राइट की खत्म होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड का वो पोर्शन निकाल देते हैं जो एक आर्टरी जिसको सप्लाई कर रही है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है, इतना सा रिमूव होता है, इसको कहते हैं लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, ठीक हो गया, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी। उसके बाद हमारे पास स्प्लेनिक फ्लेक्चर से आगे चले जाएं तो आपके पास अगर जो आपकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी और नीचे करके यहां पर आकर, ठीक है, यानी कि आपके डिसेंडिंग कॉलन में है, तो डिसेंडिंग कॉलन में हो तो उसको हम कहते हैं कि हम अक्सर औकात लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंडेड लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी कहते हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास कोई ग्रोथ ऐसी है, वो लोग बताते हैं कि जिसमें उसको रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ है या पेशेंट की कंडीशन उसको वो नहीं कहती कि उसको रिजेक्ट किया जाए, तो फिर हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कीमोथेरेपी में 5-fluoroUracil मोस्ट कॉमनली देते हैं, और उससे अक्सर औकात होता है कि ग्रोथ का साइज भी छोटा हो जाता है, हमारे लिए रिजेक्शन भी आसान हो जाता है, फिर हम रिजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पहले हमारे पास जो है जी हमारा कोलन कार्सिनोमा के बारे में ही कहते हैं कि अगर ये मेटास्टेसाइज किया हो तो फिर क्या करेंगे, और इसकी मेटास्टेसिस सबसे पहले लिवर में होती है, तो लिवर में अगर हम उसको उसी तरह छोड़ दें और हम कुछ भी ना करें और हम कोलन से खाली काट दें, तो पेशेंट का सर्वाइवल रेट में बिल्कुल भी हमें फर्क नहीं मिलेगा और फायदा नहीं होगा। जरूरी यह है कि हम कैंसर को उसकी जो लोकल एरिया यानी कोलन वहां से भी रिमूव करें और हम लिवर का भी पोर्शन रिजेक्ट कर दें। लिवर को रिजेक्ट करने की क्या इंडिकेशन होती है, अगर पेशेंट का बाकी लिवर इतना है कि 20% तक तकरीबन बन जाएगा तो वो काम कर सकता है और आप उसका जो पोर्शन खराब है उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर पेशेंट का जो लिवर है 20% से भी कम नॉर्मल रह गया और पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इस किस्म की बातें, तो फिर हम उसको जो है वो रिजेक्शन करने के बजाय कीमोथेरेपी देना पसंद करते हैं, ठीक हो गया। तो बहरहाल इतनी सी बातें आपके जहन में कम से कम होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीज है जिसको हमने रिजेक्शन देनी है, कौन सी को हमने नहीं देनी। अच्छा, अगर बहुत वाइड स्प्रेड पल्मोनरी मेटास्टेसिस है, बहुत वाइड स्प्रेड पेरिटोनाइटिस है, तो फिर हम बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं करते और फिर हम पेलिएटिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। अब आपके पास एक और पेशेंट है, ये तो हो गया हमारा कॉलन कैंसर का, अब जो आ गया वो है आपका रेक्टल कार्सिनोमा का। रेक्टल कार्सिनोमा की जब बात होती है तो रेक्टम के तीन पोर्शंस में हम उसको डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 में अगर कैंसर होगा, ये देखिए जी, ये आपका रेक्टम है और रेक्टम को हमने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ, ठीक है, ये रेक्टम और रेक्टम कैनाल दोनों दिखाए हुए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दांत ऐसे लाइनिंग सी पीछे बनी हुई सीधी सीधी सी, ये आपकी डेंटेट लाइन है, बेसिकली उस डेंटेट लाइन से नीचे नीचे आपका एनल कैनाल है जो हार्डली आपका 2-3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये ऊपर जितना सारे 15 सेंटीमीटर साइज सारा आपका रेक्टम है। अच्छा, रेक्टम में हमारे पास अगर अपर 1/3 में होता है तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर रिजेक्शन करना ट्यूमर की, अगर मिडल 1/3 में होता है तो हम कहते हैं लोअर एंटीरियर रिजेक्शन कर देना, यानी एंटीरियर रिजेक्शन वाला ऑपरेशन नहीं करना लेकिन थोड़ा लोअर एरिया तक जाना है, और अगर लो 1/3 का ट्यूमर होता है तो उसमें हम एंटीरियर रिजेक्शन नहीं कहते, उसको एब्डोमिनोपेरिनियल रिजेक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक सर्जन एब्डोमिन से काम करता है, दूसरा पेरिनियम से करता है। अब अगर हमारे पास एंटीरियर रिजेक्शन का प्रोसीजर हमने करना है, जो सिंपली आपका अपर एंड मिडल 1/3 के लिए होता है, उसमें आप लोअर मिड लाइन ऑफ एब्डोमिन में एक इंसिजन देते हैं, उसके बाद सब कुछ हटा के आप जब रेक्टम तक पहुंचते हैं तो रेक्टम को मोबिलाइज करते हैं। किस तरह मोबिलाइज करेंगे, ज़ाहिर पेरिटोनियम आगे से हटाएंगे, फिर रेक्टम अटैच होता है मीजोरेक्टम के साथ, उस मीजोरेक्टम को साइड पे करेंगे, देन उसके बाद आपने क्या करना होता है, एंटीरियर रिजेक्शन है ना, तो आपका जो ट्यूमर नजर आ रहा है अपर पोर्शन में, उस ट्यूमर को आपने काट के रिमूव कर देना है, ठीक है, उस ट्यूमर वाले पोर्शन को, और ट्यूमर के आसपास जो नॉर्मल एरिया था वो भी 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेके निकाल देना है। देन हमारे पास क्योंकि अपर पोर्शन था, नीचे के स्फिंक्टर्स को मसला नहीं हुआ, पीछे जो हमारा कोलन था उसको डायरेक्ट ला के हमने आगे का जो एनल कैनाल का पोर्शन है या रेक्टम का पोर्शन है उसके साथ एनास्टोमोसिस कर दें। दिस इज सिंपल एंटीरियर रिजेक्शन ऑफ द अपर 1/3। अगर मिडल 1/3 की एंटीरियर रिजेक्शन आ जाती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपके पास बिल्कुल ही लोअर 1/3 शुरू हो जाता है एकदम से, एंड लोअर 1/3 में आपकी वैसे वो होती है स्फिंक्टर्स होते हैं, तो इस वजह से आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं ज्यादा, लेकिन प्रोसीजर सेम है। उसके बाद आपके पास आ जाता है लोअर 1/3 का ट्यूमर, जो कि आपका
एंटीरियर रिजेक्शन खाली एब्डोमेन से ठीक नहीं होता, उसके लिए आप करते हैं एब्डोमिनल पेरिनियल रिजेक्शन। एक एब्डोमेन से जाता है अब सर्जन और एक पेरिनियम से जाता है। जब लोअर वन थर्ड का कैंसर होता है तो उसके लिए फिर आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपका एक सर्जन जो है वो ऊपर से लोअर एब्डोमेन वाला एरिया को ही खोलेगा और ऊपर की तरफ से उसका काम बेसिकली क्या होता है कि उसने रेक्टम को मोबिलाइज करना है। रेक्टम को मोबिलाइज इसी तरह नहीं किया जाता, पहले आपने जब इंटीरियर रिजेक्शन भी करनी है तो पहले आपने इन्फीरियर जो आपकी इन्फीरियर आर्टरी इन्फीरियर अपनी मेसेंटेरिक आर्टरी जो होती है पहले आपने उसको लाइगेट करना होता है, ठीक है। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लाइगेट हो जाती है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन लाइगेट हो जाती है, उसके बाद आपने इंटीरियर रिजेक्शन भी करनी होती है। यहां पर आप आपके पास जो एब्डोमिनल पेरिनियल रिजेक्शन जब आप करते हैं तो आपने तब भी रेक्टम को पहले मोबिलाइज करना है। रेक्टम अपनी जगह से हिलेगा तो हम नीचे वाले पोर्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से रेक्टम की मोबिलाइजेशन के लिए और बेटर विजुअल एबिलिटी के लिए एक पेशेंट एक जो सर्जन है वो एब्डोमिन से जाता है, दूसरा पेरिनियम से जाता है। पेरिनियम वाली साइड पे एक इलिप्टिकल इंसिजन देता है ओवर अराउंड एनल केनाल और उधर से अंदर जाता है और उधर से वो एक्सरसाइज कर देता है सारे एनल केनाल को भी और रेक्टम को भी, जैसे मैंने बताया था। तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को सारी जिंदगी के लिए पीछे कॉलन की कोलोस्टोमी करानी पड़ती है और वो कोलोस्टोमी बैग उसके बाहर लगा रहता है, ठीक है। क्योंकि एनल केनाल नहीं होता तो पेशेंट के वो नहीं ठीक से हो सकता, बाउल मूवमेंट्स नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो ये इन दोनों का फर्क है मेन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कीमोथेरेपी है उसका रोल होता है स्टेज 3 और 4 डिजीज में। फिर बताया 5-फ्लोरोयूरेसिल का नाम आपने नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3-4 डिजीज में आप लाजमी देते हैं और पहले होता था कीमोथेरेपी हमेशा बाद में देते हैं, अब न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी पहले देते हैं बाद में आप सर्जरी करते हैं। रेडियोथेरेपी का भी रोल है थोड़ा बहुत बट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये बात खत्म करते हैं, किसी को मसला हो कि ना। थैंक यू।